Hello dear students, today we are going to see exercise 2.5 of 9th standard, and this is Mayank sir from the New Tulip International School. Here in this video we are going to see question 1 to 5, and in next video we will see the further questions. So first, question 1 of exercise 2.5. So what is the question? That use suitable identity to find the following product. You will need to find the product of two binomial, and you will need to use suitable identity for that. So your first third question I have taken first. 3x plus 4, 3x minus 5. Here you can see the first term is same in both the binomial and second term is different. So guess the identity. Yes, the identity is x plus a into x plus b. So how will you solve that? First, x square, matlab first term square, plus a plus b into x plus ab. So you will put the value of given polynomials into suitable given identity. So the first term here, 3x square, मेक श्योर आप साइन को नहीं भूलेंगे. यहाँ पे 5 माइनस है तो 5 के साथ ऑलवेज माइनस साइन जुड़ी रहेगी. सो 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5. सो 3x स्क्वायर दैट इज बिकम 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 इंटू 3x दैट इज माइनस 3x, एंड लास्ट में माइनस 20. नाउ 2.4 क्वेश्चन 1 का 4. हियर अगेन द क्वेश्चन इज सेम. You will need to find the product by suitable identity, and here it is given y square plus 3 by 2, y square minus 3 by 2. So ye identity hum use karenge, a plus b into a minus b wali. So the product will be a square minus b square. So that is y square ka square minus 3 by 2 ka square. So it will become y raised to 4 minus 9 by 4. साइन में मिस्टेक मत करना, बीच में माइनस साइन रहती है. नेक्स्ट 2.5 का क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 क्या है? इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. आपको इवेल्यूएट करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. तो इसमें इसका मैंने पहला सम पहले लिया है 103 इंटू 107. तो देखो 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, एंड 107 को मैं लिखूंगा 100 प्लस 7. तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली. तो x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही ध्यान रखना, सावधानी से सारे स्टेप्स दिखाना. इसमें गलती होने के चांसेस है अगर आप आइडेंटिटी को सही ना लगाओ तो. फिर मैंने उसी का तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. उसमें 104 इंटू 96 है. तो यहाँ पे आप देखो एक 100 से 4 ऊपर है तो दूसरा 100 से 4 कम है. तो 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4. तो ये तो हमारी वो आइडेंटिटी हो गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. अभी देखो आपको फैक्टराइज करना है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. अभी यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है तो ये हो गया हमारा वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर ये उसका डायरेक्ट आंसर होगा. ये अब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो. फिर फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100. तो यहाँ पे भी आप देखो एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 होल स्क्वायर करके आप ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे दो फैक्टर में उसको डिवाइड कर सकते हो, x माइनस वाई बाई 10, एक्स प्लस वाई बाई 10. फिर यहाँ पे आपको 2.4 का फोर्थ सम दिया हुआ है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. तो देखो आपको यहाँ पे एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के लिए भी आप उसकी एक्सपांशन की आइडेंटिटी हम यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे
तो कि ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना है आपको, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है माइनस साइन जहाँ पे है उसके साथ ही रखनी है ताकि प्रोडक्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो माइनस टू एक्स का स्क्वायर, बी की जगह पे प्लस फाइव वाई है तो फाइव वाई का स्क्वायर, एंड सी की जगह पे माइनस थ्री जेड है तो माइनस थ्री जेड का स्क्वायर। और उसको बाद में आप सिंप्लीफाई करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अब 2.4 का क्वेश्चन 4 का सिक्स्थ मैंने लिया है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ये सब खास ध्यान रखना, 1/4a - 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर है। इसमें फ्रैक्शन है इसीलिए तो क्वेश्चन को देख के ही आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी सही लगाओ तो आप इजीली कर सकते हो। हम यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1/4a का स्क्वायर प्लस, देखो b के आगे माइनस की साइन है तो माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4, पूरे आइडेंटिटी में सारी वैल्यू प्लेस करोगे और देन उसको सिंप्लीफाई करोगे। माइनस की साइन में घोटाला नहीं करना, जहाँ पे 2 2 सा 4, 2 एंड 2 कट हो रहा है, वो सब चीज़ों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको कट करना है। लेकिन यहाँ पे बाद में कुछ कट मत करने जाना, एक बार आंसर आ जाए एलसीएम लेने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट के फॉर्म पे डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हो। 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले तो फैक्टराइज करने का बोल है तो आपको पहले तो ये लॉजिक लगाना कि इसमें मैं आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करूँगा। तो पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ये कौन सी आइडेंटिटी से फैक्टराइज हो सके ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर है, तीसरा भी परफेक्ट स्क्वायर है, फिर बाकी के तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसमें दो दो वेरिएबल आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी हमारी वो वाली ही लगाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक खास चीज़ फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान में रखनी है कि माइनस साइन कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो आपको लास्ट की तीन जो टर्म है उसमें ही साइन देखनी होती है, क्योंकि पहली तीन टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, वो तो ऑलवेज प्लस ही होगी। तो लास्ट की तीन टर्म में लास्ट की दो टर्म माइनस है, लास्ट की दो टर्म माइनस है, तो उसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है, एक वाई जेड है एक एक्स जेड है, तो जेड कॉमन है। तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो जो जेड वाली टर्म है उसमें आपको नेगेटिव साइन लगानी है, मतलब कि 4x² को मैं 2x होल स्क्वायर, 9y² को मैं 3y², 16z² को मैं -4z होल स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि हमने साइन जेड को माइनस दे दी है ऑलरेडी। फिर पूरा एक्सपांड करके उसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना जेड को नेगेटिव साइन क्यों मिली, वो लॉजिक आपको मालूम चलना चाहिए। लास्ट की थ्री टर्म्स में से लास्ट वाली दो टर्म है वो माइनस है, दोनों में जेड है वो कॉमन है, इसीलिए जब आप हम फैक्टराइज करेंगे तब जेड वाली जो टर्म है उसको नेगेटिव साइन देंगे। फिर उसके बाद वाला भी सम मैंने लिया हुआ है कि 2x² प्लस y² प्लस 8z², इसमें भी आइडेंटिटी तो हमारी वही लगेगी, हमको देखने से ही मालूम चल जाता है। अभी इसमें नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पे है, तो इसमें लास्ट की तीन टर्म जो है उसमें से सबसे लास्ट वाली और लास्ट थ्री टर्म में से लास्ट से थर्ड वाली, ये दोनों टर्म नेगेटिव है। अभी दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो एक एक्स वाई है और एक एक्स जेड है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन है मतलब जब हम फैक्टराइज करेंगे तब एक्स वाली टर्म को हम नेगेटिव साइन देंगे। अभी देखो 2x² है, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2x, तो √2 के आगे हमने नेगेटिव साइन लगाई, y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, एंड 8z² है, 8 को हम कहेंगे √2 का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। एंड फिर हम उसको फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से कि भाई -√2x प्लस y प्लस √2z होल स्क्वायर।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हम आगे के क्लास में बाकी के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तब तक आप ये सारे सम्स की प्रैक्टिस करते रहें और आगे के क्वेश्चन भी अपने आप एक बार ट्राई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।